नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। 300 घरों वाले गांव में इतनी भीड़ की 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है क्योंकि गाड़ियों की एंट्री बंद है। ये सभी लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम में अपनी परेशानी दूर करने की अर्जी लगाने आए हैं। अर्जी लगाने का यह सिस्टम भी अनोखा है। यहाँ लाल, पीले और काले कपड़े में नारियल बांधकर अर्जी लगानी पड़ती है। अर्जी स्वीकार हो गई तो 21 बार पेशी होगी। बागेश्वर धाम की प्रसिद्ध होने के बाद से गांव में लोगों की कमाई कई गुना बढ़ गई है। खजुराहो के व्यापारी भी यहां दुकान लगाने आ रहे हैं। मंगलवार को तो यहां यूपी से ऑटो वाले आते हैं जिनकी कमाई 8 से 10 हज़ार होती है। भिंड जिले के ददरौआ में हाल ही में आयोजित दिव्य दरबार में उमड़ी भीड़ में मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में इतनी भीड़ क्यों उमड़ती है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए जब वहां पर देखा गया तो पता चला कि मंगलवार में पेशी का दिन होने के कारण यहां हर तरफ लोगों की भीड़ ही नजर आती है। मंदिर में जाने वाले और अर्जी लगाने वालों की कतार खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। भीड़ में शामिल हैदराबाद की युवती संगीता देर रात 2 बजे लाइन में लगी, तब जाकर मंदिर में उन्हें दर्शन हो पाए, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात नहीं हो पाई। अर्जी और पेशी का मतलब दमोह निवासी सतपाल मुंडा समझाते हैं कि मेरी 9वीं पेशी हो चुकी है, सन्यासी बाबा की कृपा से मेरी अर्जी लगी है। यहाँ पहले फ़ोन करना पड़ता है, इसके बाद नाम का टोकन डलता है, फिर एक छोटी बच्ची से टोकन निकलवाया जाता है। नाम निकलने पर फ़ोन पर सूचना दी जाती है इसके बाद दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने का मौका मिलता है। वे मन की बात जानकर एक पर्चा बनाते हैं, इस पर्चे में समस्या का समाधान भी लिखते हैं। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।